वेलकम टू मेडफेम इंडिया, मैं हूं अश्विनी और अब मैं आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखने जैसी कुछ जरूरी बातें। तो समझ लीजिए, अभी अभी आपको आपका मेंस्ट्रुअल कप पहली बार मिला है और अब आपको अभी पीरियड भी चल रहे हैं, आपको इसे इस्तेमाल करना है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहली बार जब आपको आपका कप मिला है, आपको इसे करना है स्टेरलाइज। एक पतीले में पानी, एकदम उबलता हुआ पानी लीजिए, गैस पर ही उसे उबलने दीजिए और जब वो उबल रहा है तब उसमें कप डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए कप को उसके अंदर स्टेरलाइज होने दीजिए, ठीक जैसे आप एक अपने छोटे बच्चे की बॉटल को स्टेरलाइज करते हैं, आमतौर पर पूरी तरह से उसे कीटाणु रहित कर देते हैं, तो वो आपको करना है। दूसरी बात, समझ लीजिए आप कप इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कभी आपको पीरियड आते हैं तब आप क्या करेंगे, तो यस, पहली बात आप उसे बिल्कुल उसी तरह पतीले में उबलते हुए पानी में डाल सकते हैं, उबलने दीजिए, स्टेरलाइज होने दीजिए। या फिर जो मैं करती हूँ, मैं एक मग में उबलता हुआ पानी डाल देती हूँ और उसी में कप को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और वो पूरी तरह से स्टेरलाइज हो जाता है। तो उबलते हुए पानी में या गर्म पानी के इस्तेमाल का ये हुआ पहला। दूसरी है कि आमतौर पर महिलाएं जब पहली बार कप इस्तेमाल करती हैं तो वो थोड़ी नर्वस होती हैं और इसी वजह से वो कप को इंसर्ट नहीं कर पाती हैं। मैं भी नहीं कर पाई थी, ये कई औरतों की कहानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं हमेशा राय देती हूँ कि ऐसे में आप गहरी सांसें लें। क्या होता है कि उस वक्त आप होते हैं थोड़े से नर्वस, थोड़े से डरे हुए, और क्योंकि आप डरे हुए होते हैं आपकी पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है, बिल्कुल इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ आप डरे हुए हैं, सिकुड़ जाती है, और जब सिकुड़ जाती है तो आपकी वजाइनल मसल्स भी या योनिमार्ग की मांसपेशियां भी सिकुड़ जाती हैं और आप कुछ भी कर लीजिए कप आप अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है कुछ लेनी है, गहरी सांसें लीजिए, 8 से 10 या इवन 15 सांसें लीजिए और जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आप बहुत आसानी से कप को इंसर्ट कर पाएंगे। बहुत आपको, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ वक्त पहले आप नहीं कर पा रहे थे। इंसर्ट करना फिर भी आसान है, निकालने में कई औरतों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वजह है वही कि आप नर्वस होते हैं, आप डरे हुए होते हैं, आपको लगता है कैसे निकालें, वो पहली बात। और दूसरी वजह ये होती है कि हमारी मांसपेशियों के साथ ही एक वैक्यूम सील फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से जो मासिक स्राव है वो लीक नहीं होता है, बिल्कुल टाइट बैठा होता है, तो आप उसको एकदम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले तो आपको उंगली अंदर डालनी है, बेस को कप का जो निचला हिस्सा है उसे पिंच करना है, उस वैक्यूम को तोड़ना है। जैसे वैक्यूम तोड़ेंगे कप को निकालना आसान हो जाएगा, ये पहली बात। दूसरा है कि कई औरतों की जो योनि मार्ग होती थोड़ी छोटी होती हैं तो उन्हें ये स्टेम को जो नीचे की तरफ ये टूटी डंडी दिखाई देती है वो कट करनी पड़ती है, वो आप कट कर सकते हैं, फाइलर से उसे थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कई महिलाओं की योनि मार्ग बहुत बड़ा होता है तो कप अंदर होता है और वो उंगली डालते हैं, उन्हें कप मिलता नहीं है, वो सोचते हैं क्या हुआ, कप कहाँ चला गया, और वो दोबारा डर जाती हैं। कुछ मत कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और कप को पुश कीजिए, धकेलिए बाहर की तरफ अपनी मांसपेशियों की मदद से, ठीक जिस तरह से आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हो ऐसा इमेजिन कीजिए, पुश कीजिए, अपने आप कप थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर आपको ये स्टेम आप पकड़ पाएंगे। जैसे ही स्टेम पकड़ पाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाइए और बेस को पिंच कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि स्टेम पकड़ के कभी कप बाहर नहीं निकालना है, कभी भी बेस को पकड़ना है, पिंच करना है और धीरे धीरे इस मूवमेंट से बाहर निकालें। और उसके साथ ही साथ मांसपेशियों को भी, मांसपेशियों के जोर से भी कप को पुश करिए तो कप को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब कप को स्टेरिलाइज करने की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कई औरतें सोचती हैं कि मैं एंटीसेप्टिक के पानी के अंदर कप को डाल दूंगी तो अच्छा होगा, डेटॉल या सेवलॉन का पानी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वजाइना है उसका अपना एक सिस्टम होता है वजाइना को हेल्दी रखने का, और उसे हेल्दी रखने के लिए हमारे वजाइना में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप डेटॉल के पानी में कप को इंसर्ट इमर्स करेंगे और उसी कप को जब आप अंदर डालेंगे तो वो डेटॉल जो है या जो कुछ भी एंटीसेप्टिक है उसकी वजह से वो जो गुड बैक्टीरिया है आपके वजाइना कनाल में वो भी मर जाएंगे और जो वजाइना का अपना सिस्टम है उसे हेल्दी रखने का वो सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इसे कभी भी किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड में ना धोएं। दूसरी बात है कि इसको गर्म पानी से धोना या साफ पानी से धोना ही काफ़ी हो जाता है,
पर अगर आपको फिर भी लग रहा है कि साबुन से ही धोना है तो आप किसी भी साबुन से इसे धो सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि उसमें कोई केमिकल्स ना हो, कोई खुशबू या फिर कोई फ्रेग्रेंसेस ना हो, हार्श सोप ना हो, जितना हल्के से हल्का साबुन हो सके वही इस्तेमाल करें। तो ये बेसिक कुछ टिप्स हैं और टाइम टू टाइम समय पर मैं आपको और भी टिप्स शेयर करती रहूँगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, आपको और बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैप्पी पीरियड्स, बाय बाय।